चंपावत जिले के सिप्टी वाटरफॉल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाए जाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषणा की गई है। इसी के तहत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सिप्टी वाटरफॉल और गौड़ी स्थित धानकेश्वर दुटकुंड का स्थलीय निरीक्षण किया। सिप्टी वाटरफॉल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस प्राकृतिक झरने की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा इसके विकास की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में अनेक पर्यटन यहां आकर वाटरफॉल का लुत्फ लेने। एडीएम भंडारी ने कहा कि इस पर्यटन स्थल पर अधिक से अधिक पर्यटन कैसे पहुंचे, उसके लिए यहां भूतपूर्व सुविधाएं बढ़ाए जाने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में इसके सौंदर्यन के लिए 96 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहीं गौरी स्थित दुधकुंड के स्थलीय निरीक्षण के दौरान डीएम भंडारी ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के रूप में ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका सौंदर्यीकरण का कार्य भी कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उसमें जो टूरिज्म पोटेंशियल इस तक का बढ़ाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है सिप्टी वाटरफॉल में टूरिज्म पोटेंशियल का निर्माण किया जाएगा, और इसमें टूरिज्म पोटेंशियल के साथ साथ जो उसका इंफ्रा है और टूरिस्ट कैसे आए वहाँ पर, उसका पोटेंशियल कैसे रियलाइज हो, तो इसके सापेक्ष उसकी DPR बनाने के लिए जो DPR में कंपोनेंट्स रखे गए हैं उनकी गुणवत्ता क्वालिटी देखने के लिए वहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया। और हमें आशा है कि जब वो वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज का निर्माण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे देखने आएंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चंपावत में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन जुड़ेगा। थैंक यू।